नमस्कार, सलाम, आदाब दोस्तों। मत कर यकीन अपने हाथों की लकीरों पर, मत कर यकीन अपने हाथों की लकीरों पर, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। 14 वर्ष का एक लड़का बिजली के तारों में फंसी अपनी पतंग निकाल रहा था कि तभी एक ऐसा भयानक हादसा हुआ जिससे वो लड़का बिजली के तारों की चपेट में आ गया। इस हादसे में उनके हाथ इतनी बुरी तरह से जल गए कि उनके हाथों को काटना पड़ा। वो जब हॉस्पिटल में थे तो उनकी माता उन्हें पेन और पेंसिल पकड़ने की प्रैक्टिस करवाने लगी। हर रोज़ वे कुछ लिखने और पेंटिंग करने का प्रयास करने लगे। 8 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद वे बिना हाथों के पेंटिंग बनाना सीख गए। आज वह लड़का पेंटिंग में महारत हासिल कर ली है। उनकी मनमोहक चित्रकारी को देखकर कोई ये सोच भी नहीं सकता कि ये पेंटिंग एक ऐसे कलाकार ने बनाई है जिनके हाथ नहीं हैं। उस लड़के का नाम है धवल खत्री। अपने नसीब का मालिक मैं खुद हूँ। मैंने अन्याय के खिलाफ कभी हार नहीं मानी। राष्ट्रपति का पद पाने के लिए मैंने 27 साल तक संघर्ष किया। हैरी पॉटर आज सबसे सफल नॉवेल में से एक मानी जाती है। इस कहानी पर कई सारी हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी है। मेरी इस नॉवेल को 12 पब्लिकेशन ने नकार दिया, लेकिन मैंने निष्फलता को नकारते हुए अपने प्रयास जारी रखे। इन्फोसिस की शुरुआत के लिए उन्होंने अपनी पत्नी से $250 उधार मांगे थे। शुरुआती दिनों में इस आईटी कंपनी में फ़ोन जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी। आज इन्फोसिस के द्वारा भारत की पूरी आईटी इंडस्ट्री को ही बदल के रख दिया। 16 साल की उम्र में बुरी तरह से शराब की लत में फंसे। 30 बार उनकी लिखी गई कहानी को नकारा गया। 31वीं बार असफल होने पर अपनी इस कहानी को फेंक दिया था। इस व्यक्ति का भविष्य क्या हो सकता है, हम बताते हैं आपको। यह व्यक्ति आगे जाकर एक महान लेखक बने और उनका नाम है स्टीफन किंग। उन्होंने इस कहानी को एक बार और प्रकाशक को भेजा। आज स्टीफन किंग की पुस्तकें विश्व की सबसे शानदार पुस्तकों में से एक है। महान व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति में फ़र्क केवल उनकी सोच, नज़रिए और विश्वास का होता है। महानता प्राप्त करने के लिए कभी प्रयत्न न छोड़ने की सोच ज़रूरी है, इन महान व्यक्तियों ने साबित किया है। याद रखें, आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद से ना हार जाओ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिलते रहें।